ये देखिए यहाँ का सुबह का मंजर एयरपोर्ट के बाहर का। और ये एयरपोर्ट के अंदर का, ये देखिए एयरपोर्ट के बाहर का मंजर। देखिए कैसा पहाड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामाबाद का एरिया है। ये बस है यहाँ की, ये एयरपोर्ट। ये हम आ गए मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर है। ये देखिए ट्रेन का, ये देखिए आप बाहर की वीडियो। ये मेट्रो चल गई, तो ये मेट्रो चलने के बाद जो है ये आप देख सकते हैं बाहर के। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर हो रहा है अभी 22। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, ये मेट्रो में ये किस तरीके से, ये देखिए ऑटोमेटिक इन्होंने जाली लगाई हुई है। जैसे ट्रेन चलेगी ये देखिए जाली जो है वो शट डाउन हो जाएगी, ताकि कोई जो है ना वो पास ना हो सके। ये देखिए शट डाउन हो गई। मैंने तकरीबन 2500 मील का सफ़र किया है, सही है ना। ऐसी मैंने मेट्रो, लेटेस्ट मैंने मेट्रो नहीं देखी जैसे ये लेटेस्ट मेट्रो बल्गारिया में। बहुत ज़बरदस्त मेट्रो है, ये पहली दफ़ा मैंने ये देखा है कि देखिए मेट्रो गई और ये जो है स्टेशन जो है वो क्लोज़ हो गया। जब मेट्रो आएगी तो ये स्टेशन जो है ये ओपन हो जाएगा। सेफ एंड सिक्योरिटी देखिए कैसी बनाई है उन्होंने। ये देखिए मेट्रो में चेंज करते हो, ये देखिए। अब हम यहाँ से मेट्रो पकड़ने लगे, यहाँ से मेट्रो पकड़ के फिर हम चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। मेट्रो, वो जो जिस मेट्रो में हमें आया वो अंडरग्राउंड थी, ये अब ये रोड के ऊपर चल रही। और ये देखिए इनकी परी सोफिया की, प्रिंसेस जो थी उसकी ये पिक्चर है। देखिए जी, तो गाइस अभी हम आ गए हैं सोफिया के सेंटर में और मैं आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है वो मॉस्क है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और ये बिल्कुल टर्किश स्टाइल की बनी हुई है, ये देखिए आप इसको, बिल्कुल टर्किश स्टाइल की बनी हुई है। टर्की में ऐसी मॉस्क होती हैं, क्योंकि असल में ये बल्गारिया जो है वो बॉर्डर लगता है टर्की का, बराबर में टर्की है इसके, तो इसलिए यहाँ की टर्किश पब्लिक बहुत ज़्यादा। और ये टर्किश कम्युनिटी की इन्होंने मॉस्क यहाँ पर बनाई है।
मैंने कर लिया, नाश्ता करके मैं बाहर आ गया हूँ। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे चलते हैं। अभी तो मैं आ गया हूँ यहाँ राउंड अबाउट पे, राउंड अबाउट पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और जो है मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और अब चलते हैं ज़रा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। दूसरा ये कि बल्गारिया के इंडिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है। हाँ, बल्गारिया का वीज़ा जो है अच्छा कंट्री है बल्गारिया, काम के लिहाज से भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ अगर कोई आना चाहे पाकिस्तान से तो पाकिस्तान से जो है वो इजीली आ सकता है। और बल्गारिया का सबसे अच्छी बात ये है कि बल्गारिया जो है आपका शेंजन कंट्री में जो है इसने अप्लाई किया हुआ है शेंजन कंट्री में, तो ये नेक्स्ट 6 मंथ में या विद इन 1 ईयर ये जो है इसकी एप्लीकेशन जो है वो यूरोपियन यूनियन में अप्रूव हो जाए। ये यूरोपियन यूनियन का कंट्री है लेकिन ये शेंजन नहीं है। शेंजन कंट्री का ये मतलब कि अगर आप शेंजन वीज़ा लेते हैं तो शेंजन वीज़े में आप यहाँ पे जो है वो आ जा नहीं सकते, लेकिन शेंजन वीज़ा अगर आपके पास हो तो आप बल्गारिया में आ सकते हैं, लेकिन बल्गारिया का आप वीज़ा लेंगे तो आप शेंजन कंट्री में नहीं जा सकते। हाँ, ये इसकी एक बात है कि ये आपको एंट्री देते हैं आपको शेंजन वीज़े पे ही आपको जो है वो एंट्री देते हैं। ये देखिए भाई लाइन बना हुआ है, ये देखिए आप बहुत अच्छा पार्क है। ये ब्रिटिश है, असल में ब्रिटिश में जो है वो लॉइन ये लॉइन का स्टेचू इन्होंने लगाया हुआ है। जहाज असल में इसलिए नीचे क्योंकि सोफिया एयरपोर्ट यहाँ से करीब ही है, अराउंड अबाउट 10 किलोमीटर होगा, तो इसलिए जा रही है। ये सेंटर में मेट्रो का इन्होंने लाइन बिछाई हुई है, ये मेट्रो की। भाई मेट्रो की लाइन बिछी हुई है ऊपर, और आप देख सकते हैं कि ये मेट्रो का सिस्टम यहाँ पे ट्राम का सिस्टम बहुत अच्छा है, बसेज भी बहुत अच्छी हैं, बसेज जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। ये बसेज बिल्कुल वैसी हैं जैसे अभी तुर्की ने पाकिस्तान कराची में बस सप्लाई की है, ये आपने कराची में बसेज देखी है ना चलती हुई, तो उसी तरीके की बस हाँ सेम वैसी हैं। क्रॉस कर रहा हूँ, सिग्नल बंद हो गया जल्दी से क्रॉस करें। अच्छा, बल्गारिया के वीज़े के बारे में मैं बता रहा कि बल्गारिया का वीज़ा जो है वो इजीली पाकिस्तान से आप ले सकते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बल्गारिया के वीज़े में, क्योंकि बल्गारिया जो है वो इजीली पाकिस्तान को वीज़ा देता है, पाकिस्तानी नेशनल को वीज़ा देता है।
इसकी एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, आप जो इसका विजिट वीज़ा है वो विजिट वीज़ा सी कैटेगरी वीज़ा है, तो सी कैटेगरी वीज़ा जो है वो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़े पे ये है कि आप अप टू 5 ईयर तक जो है इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी 5 ईयर का मतलब ये कि आपको ये 5 साल तक का मल्टीपल वीज़ा देते हैं, चलिए ना। तो मल्टीपल इंट्री होती है 5 साल तक, 5 साल तक जो है वो फिर आपको वीज़ा नहीं लेना। ये उन लोगों के लिए है जो ट्रैवलिंग करते हैं और या बिजनेस करते हैं, तो वो लोग जो है वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़े की फ़ीस जो है वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, आई थिंक सो 60 यूरो इसकी फ़ीस है सिंगल एंट्री। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं वो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए पाकिस्तानी नेशनल को, और इजीली जो है वो उसको अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अभी मैं जाने लगा हूँ मेट्रो के अंदर, क्योंकि मेट्रो के अंदर मैं जाऊँ तो मैं मेट्रो पकड़ूँ तो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट जगह पे मैं जाऊँ। अच्छा, वीज़े के लिए ये कि वीज़े के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि इनकी एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे, सही है ना। वीज़े की ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे, वीज़े की ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है पाकिस्तान की। हाँ, वैसे दूसरी कंट्रीज़ के लिए वो 6 मंथ की स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो 3 मंथ्स की स्टेटमेंट इनफ है, 3 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। और आपको जो है इंश्योरेंस चाहिए होती है, इंश्योरेंस आप किसी भी लोकल कंपनी से करा सकते हैं, और इंश्योरेंस जो है उसकी कॉस्ट होनी चाहिए आपकी तकरीबन 30,000 यूरो को जो है वो कवर करें, तो 30,000 यूरो को वो कवर करें, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। प्लस आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए ये देखिए मेट्रो के अंदर का, आप देखिए कैसी जगह खूबसूरत एंट्रेंस है, और ट्रेन स्टेशन भी देखिए कितना ज़बरदस्त है, नीट एंड क्लीन, बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, नीचे आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा देख के, मुझे तो यहाँ पे आके मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन ज़्यादा, पाकिस्तानी इंडियन तो मुझे कोई दिख रहा, इंडियन एक दो नज़र आए मुझे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी
ये देखिए आप, फाउंटेन, और ये देखिए सामने, ये मुसलमानों का तारीखी विरसा है। और इसके पीछे जो है वो बनी है मस्जिद, ये देखो। और इसके पीछे बनी हुई है मस्जिद, और उसके पीछे है चर्च। ये देखिए ये मस्जिद है, और ये देखिए कबूतर कितने बैठे हैं, सुबह का टाइम है। ये जो अंकल हैं, ये अंकल मेरे ख्याल से इस ये वाले अंकल ने जो है ना ये बनाया, थॉमस अंकल ने। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ का बहुत बड़ा चर्च है, इसको आप लोग देख सकते हैं। हाँ ये बहुत बड़ा चर्च है, यहाँ ये पूरा एक पार्ट इसका ये है और सेकंड पार्ट इसका ये है। ये देखिए आप इसका डोम देखिए और ये सब देखिए। अभी मैं आपको इसको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। ये देखिए बीच में ट्राम की लाइन बिछी हुई, ट्राम आ रही है और ट्राम जा रही है। ये देखिए दूसरी तरफ से, ये देखिए ट्राम आ रही है। हाँ यहाँ पे पुराने स्टाइल की भी जो है वो ट्राम है, और न्यू स्टाइल की भी और पुराने स्टाइल की। ये देखिए ये सेंट्रल चर्च, और उसके साथ ये फ्रूट मार्केट भी है, सब फ्रूट्स लग रहे हैं। अभी सुबह के यहाँ पे 8:30 हुए तो ये मार्केट शुरू होती है 9:00। हाँ ये देखिए, आउटसाइड देखिए ये बिल्डिंग्स। ये अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, अभी ये यहाँ पे मैं टॉप फ्लोर पे यानी ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। ये देखिए मिस्टर पिज़्ज़ा, ये देखिए आप, मिस्टर पिज़्ज़ा। बादल सामने से ब्लैक आ रहे हैं और लग रहा है कि जो है वो बारिश हो गई। और देखिए सामने जो है वो आपको जो नज़र आ रहा है ना, सामने मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ, ये सामने जो है ये माउंटेन है, ये माउंटेन के ऊपर ग्रीनरी है जिसकी वजह से ऐसे पता नहीं चल रहा, लेकिन ये ग्रीनरी है। और देखिए इसके ऊपर बादल आए हुए, कितना ज़बरदस्त मंजर है। ये देखिए
फाउंटेन। रश लगा हुआ है गाड़ियों का, सिग्नल पे मैं खड़ा हूँ, सिग्नल स्टॉप था, अब ये ओपन हो गया है। स्टारबक्स कॉफ़ी भी है यार, ये स्टारबक्स कॉफ़ी। ये गाड़ियों का शोरूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी। ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसा ऐसा बारिश शुरू हो गई है। अच्छा मैं आ गया हूँ शॉपिंग सेंटर के अंदर, ये देख सकते हैं आप शॉपिंग सेंटर, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। शॉपिंग सेंटर ये देखिए, ये अच्छा शॉपिंग सेंटर है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन प्राइस महंगी है। आइसक्रीम देखिए, ये स्पोर्ट्स की शॉप, ये शूज की, सैंडल्स, और ये तो भाई आ गई इलेक्ट्रॉनिक शॉप। लैपटॉप भी हैं, टेलीविज़न है और मोबाइल्स। हाँ देखिए अंदर लैपटॉप्स और दूसरी चीज़ें, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और प्राइस बहुत चार्ज है। यस, कॉन्फ़िगरेशन इतनी ख़ास नहीं थी और प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज है। एक लैपटॉप मैं देख रहा हूँ, एक लैपटॉप मैंने लेना है, वैसे तो है मेरे पास लैपटॉप असूस का, लेकिन एक मैंने नया लैपटॉप लेना है, तो मैं बोला चलो देखते हैं ज़रा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं और क्या प्राइस दे रहे हैं। असल में यहाँ पे जो बल्गारियन करेंसी है ना, वो एक पाउंड जो है वो 2 बल्गारियन इनकी रुपीज़ बनता है। तो ये एक बल्गारियन जो है, एक बल्गारियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान के इक्विवेलेंट है 155 रुपीज़ का, अराउंड अबाउट 155 रुपीज़ का। तो ये जो है कॉस्टली है। अच्छा ऊपर मैकडोनल्ड भी है, ऊपर आपका जो है वो कैफेटेरिया भी है, और सारे रेस्टोरेंट्स आपके जो है वो ऊपर, मैकडोनल्ड भी और
KFC है और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ। चलिए अच्छा है। और ये ऑक्टो स्पोर्ट्स, ये ऑक्टो स्पोर्ट्स ग्लासेस की शॉप है, सन ग्लासेस भी आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे कराची में बना हुआ लकी वन, लकी वन स्टाइल का ये बना हुआ। हाँ, ऐसे कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं है, लकी वन का स्टाइल का है, बिल्कुल ऐसे ऐसी लग रहा है जैसे मैं कराची में लकी वन में घूमूँ। बस पब्लिक का फ़र्क है, यहाँ पे पब्लिक जो है वो यूरोपियन है और वहाँ की पब्लिक और यहाँ की पब्लिक में फर्क, बाकी सब चीज़ें वैसे वैसे। ग्री हम लोग उतर आए फाइनल स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन क्लोज हो गई, मेट्रो क्लोज हो गई है। फाइनल स्टेशन, इस स्टेशन का नाम है वितोषा, बहुत अच्छा स्टेशन बनाया है। ऐसे स्टेशन अगर कराची में बन जाए ना, पाकिस्तान में बन जाए, तो क्या बात है, पाकिस्तान टॉप लिस्ट में आ जाए। इंशाल्लाह अरमान हो जाएगा किसी ना किसी दिन ऐसा भी। जी तो भाई, मैं आ गया हूँ अभी स्टारबक्स कॉफ़ी में, मैंने कॉफ़ी ले ली है, बहुत तेज बाद बारिश हो रही है और बारिश आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इसीलिए कॉफ़ी ली और मैंने बोला कि कॉफ़ी लेके जो है वो स्टारबक्स कॉफ़ी में बैठा जाए और आपको जो है ना वो बल्गारिया के वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, बल्गारिया जो है वो सबसे अच्छी कंट्री इसलिए है कि एक तो बल्गारिया अभी जो है वो शेंजन कंट्री में आया है, शेंजन कंट्री में इसने अप्लाई किया हुआ है और ये उम्मीद है कि 6 to 1 year जो है वो शेंजन कंट्री में शामिल हो जाएगा। तो शेंजन कंट्री में जब शामिल हो जाएगा तो फिर आप 27 कंट्री में जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप बल्गारिया में हैं तो आप बल्गारिया से मूव करके किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, इधर आप जाना चाहते हैं वहाँ आप जा सकते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं है इसको मूव होने में शेंजन कंट्री में, 6 to 6 months to 1 year लगेगा। और इसका वीज़ा आसानी से पाकिस्तान से मिला और इसके एम्बेसी जो है इसके वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है, वो वीज़े की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपका फुल पासपोर्ट होना चाहिए, वो 6 months वैलिड होना चाहिए, आपके पास जो है वो बल्गारिया में रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए बल्गारिया में, आप बल्गारिया जाना चाहते हैं, कितने दिल्ली भी जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, सही है। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान की उनको इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, खाली 3 महीने की यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप देके इसके वीजे का प्रोसेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस चाहिए होती है, इंश्योरेंस आपके लिए भी लोकल ट्रैवल एजेंसी से या इंश्योरेंस कंपनी से करा सकते हैं, वो इंश्योरेंस होनी चाहिए 30,000 यूरो तक की, और वो 30,000 यूरो तक की जो इंश्योरेंस जो है वो 5-6
5-6 thousand पाकिस्तानी रुपीज़ में, 5 से 6 हज़ार रुपये में, सही है। और प्लस ये कि जब आप बल्गारिया के लिए अप्लाई करें तो बैंक में आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप हर रोज़ का 50 यूरो यहाँ का शो कर सकते हैं। सपोज़ कि आप यहाँ पे 15 दिन के लिए आना चाहते हैं तो 15 दिन के हिसाब से 750 यूरो आपके बैंक में कम अज़ कम होने चाहिए, 750 यूरो से ज़्यादा होने चाहिए, यानी इतनी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, 50 यूरो इक्विवेलेंट हर रोज़ का यहाँ का होना चाहिए। 50 यूरो तकरीबन जो है वो 15,000 रुपया बनता है पाकिस्तान का, तो पर डे के हिसाब से आपने यहाँ पे शो करना है 15,000 रुपया कि आपके पास इतनी अमाउंट है जो आप वहाँ पर जाके खर्च कर सकते हैं। और बाकी 4-5 लाख की स्टेटमेंट होनी चाहिए, 4-5 लाख की स्टेटमेंट बहुत है। और प्लस ये आपके पास अमाउंट हो तो तकरीबन 7-8 लाख रुपये का आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप आराम से यहाँ पे बल्गारिया आ सकते हैं। बल्गारिया में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हैं, जॉब्स हैं, करेंसी भी इसकी स्ट्रॉन्ग है। आपको मैंने बताया कि एक बल्गारिया रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान का 155 रुपीज़ करता है, तो 155 रुपीज़ एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। और यहाँ पर आने के बाद जो है वो आप अपना विजिट वीज़ा जो है वो TR टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट में जो है वो चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, आके आप जॉब स्टार्ट करेंगे और अपनी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो ये आपको TR देंगे। TR यहाँ का मिलने का सबसे अच्छी बात है कि जब TR यहाँ की मिल जाती है, TR जब यहाँ की मिल जाती है तो TR में ये होता है कि आप यहाँ पे 5 साल रहेंगे बल्गारिया में, 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की जो TR होती है वो 1 साल की होती है, 2 साल की जो TR होती है वो 2 साल की होती है, उसके बाद फिर 2 साल की TR होती है, दो 4 साल और 1 साल की TR 5 साल। तो 5 साल की TR में जो है वो आप अपनी क्या कर सकते हैं, आप अपना जो है वो यहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद ये यूरोपियन यूनियन में चला जाएगा। अभी यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्री में ये कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे अभी वीज़ा इसीलिए आसानी से मिल जाए क्योंकि अभी ये शेंजन कंट्री में नहीं है। जब ये शेंजन कंट्री में जाएगा तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट जो है कोई शेंजन वाली होगी। और इसकी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस जो है इसकी 60 यूरो, और ये ईजीली पाकिस्तानियों को वीज़ा दे रही है। और यहाँ का इन्वेस्टमेंट वीज़ा भी एक इन्वेस्टमेंट वीज़ा है जिसके यहाँ पे आप सिटीजनशिप यहाँ की अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो है उसके लिए आपको 5 लाख यूरो कम से कम यहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे 5 साल के लिए। तो वो 5 साल के 5 लाख यूरो जो है वो तकरीबन 15 करोड़ रुपये बनते हैं। ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिजनेस मैन है और जिनके पास अमाउंट है तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को जो है सेव कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को, अपने फैमिली के, अपने फादर मदर बीवी बच्चों और दूसरे को फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म को बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट में आपको बताया कि आप अप्लाई करें, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके काम शुरू कीजिए। यहाँ की अकोमोडेशन भी इतनी महंगी नहीं है, नॉर्मल अकोमोडेशन है, रिहाइश खाना पीना इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप आसानी से यहाँ पे अगर एक बंदा आए और वो जॉब यहाँ पे करे तो आराम से जो है 900 से लेके 1200-1300 बल्गारियन रुपीज़ के कमा सकते हैं, ईजीली जॉब आपको मिल जाती है। जो ज़्यादातर जॉब है वो यहाँ पे रेस्टोरेंट की जॉब है, कंस्ट्रक्शन की भी जॉब है, अगर जिसको कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस हो तो कंस्ट्रक्शन की भी जॉब कर सकता है। मतलब यहाँ पे डिलीवरी की काम बहुत ज़्यादा है और आपका रेस्टोरेंट का काम। आई होप कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसे आप लोगों को फायदा होगा। जो लोग बल्गारिया आना चाहते हैं तो वो अपना वीज़ा प्रोसेस जल्द से जल्द करें ताकि इसके यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से पहले आप लोग इसका वीज़ा ले सकें और यहाँ पर आप आ सकें। विज़िट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे विजिट के लिए इसका जो कैपिटल है वो सोफिया है। मैं भी यहाँ पे आया हूँ सोफिया में, जो ड्यूटी भी हो गया यहाँ पे आए हुए, तो यहाँ पे विजिट के लिए भी अच्छा है, फैमिली के लिए भी अच्छा है, सेफ एंड सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे रात में रुपये जितने घूमने को हर चीज़ यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर है। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, मेट्रो बस ट्रेन बहुत
बहुत इसके अंदर की है, तो मैंने आपको दिखाई ये वीडियो आप देख भी सकते और लेटेस्ट है। और साथ ही घूमने फिरने के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो लोग जो इसी से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई हिस्ट्री जानने का शौक होता है यहाँ पे है भी तुर्की के बराबर में। अगर आप तुर्की आते हैं तो तुर्की से आप बल्गारिया आते हैं, तुर्की अगर आप आते हैं तो तुर्की से आप बल्गारिया का वीज़ा लेते हैं तो बल्गारिया आते हैं। तुर्की से यहाँ पर बाइक भी आती है और बाइक से इंडिया आती है। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कारामद साबित साबित होगी। और अगर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आप नहीं चाहिए तो मैं ले जाऊँगा इसके लिए, बदल बार इसके बेहतर से चलिए।